सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे हम लोग, आप लोग पता ही कि डीआरडीओ की सीरीज़ हम लोग की चल रही थी, ठीक है, डीआरडीओ एमटीएस की। तो आज उसकी अगली क्लास है, जिन्होंने नहीं देखा है पहली क्लास ध्यान से देखना। और मैं आप लोग को बार बार एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरी जितनी भी क्लास आ रही है, चाहे वो डीआरडीओ क्यों ना हो, भले आप डीआरडीओ को प्रिपेयर कर रहे हो, आप डीआरडीओ का भी देखो, डीडीए का भी देखो, जो मैंने एनबी का पढ़ाया है वो भी देखो, जो मैं बीआईएस का पढ़ा रहा हूँ वो भी देखो। मतलब मैं मैथ की जितनी भी क्लास डाल रहा हूँ आप सब देखो, ठीक है। वो कब आप लोग को काम दे दे कोई नहीं जानता। वो मैं इस हिसाब से पढ़ा ही रहा हूँ कि आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा, कहीं से भी आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं डीआरडीओ एमटीएस के लगभग पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेवल के हिसाब से। और उसमें क्या, मैं हल्का सा थोड़ा बहुत लेवल उठा के पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया हूँ। इसमें मैं लेवल मैं उठाऊँगा, लेकिन थोड़ा इसका लेवल बना के रखूँगा। अब जो मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपका डीडीए का, उसमें मैं इससे लेवल ऊपर रखा हूँ, बीआईएस में उससे ऊपर लेवल रखा हूँ, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग ऐसे पूरा कर लोगे तो आपका आराम से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ो सवाल, देखो सवाल ये लिखा हुआ है कि सेलिंग एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% मिस्टर एक्स गेट्स रुपीज़ 150 मोर देन द सेलिंग इट एट अ लॉस ऑफ 5%। मिस्टर एक्स परचेज्ड द आर्टिकल एट, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि। अच्छा ठीक है, देखो 5% पहले लाभ पर बेचा, फिर 5% हानि पर बेचा। सुनो, मान लेते हैं कि वस्तु का दाम कितना रुपये था, 100 रुपये था। उसको बोला कि पहले 5% किस पे बेचता है, प्रॉफिट पे बेचता है। 5% प्रॉफिट मतलब 105 रुपये में बेच दिया इसका 5%। फिर बोलता है अगर वो 5% लॉस पे बेचता, 5% लॉस, ठीक है मिस्टर गेट्स। तो इन दोनों का ये होता 95, और इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिया है, मेरे हिसाब से अब इनका डिफरेंस आया है 10 रुपये। मतलब अगर पहले 5% प्रॉफिट बेचता तो 105 कमाता, और अगर 5% लॉस पे बेच रहा है तो 95 रुपये कमा रहा है। तो पहले कितना ज़्यादा कमा रहा था, पहले 10 रुपये ज़्यादा कमा रहा था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस 100 अपने हिसाब से माना है। तो वो बोला कि ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या था, तो मेरे हिसाब से 10 रुपये था। क्वेश्चन के हिसाब से कितना रुपये है, 150 रुपये, 150 रुपीज़। कितने मल्टीपल पर, 15 के मल्टीपल पर। तो कॉस्ट प्राइस भी 15 के मल्टीपल पर, आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 1500, 100 रुपये, 1500। अब ये सवाल और ले सकता था, 100 रुपये का दाम, 105, 95, अंतर 10, 10 का मेरे हिसाब से, क्वेश्चन हिसाब से कितना, 150, 15 गुना 100 मैंने माना था, 1500 का आंसर ख़त्म। ये चीज़ आना था, मैंने समझा भी दिया, मैंने ओरली बता दी कि ओरली भी हो सकता है सब सवाल, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब चलो दोस्त अगला सवाल देखो, सिंपल सा सवाल है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ लेते हैं कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। 10 रुपये, 12 रुपये हो जा रहा है, कितने का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, 2 रुपये का मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, 10 से मतलब कितना परसेंट, 1/5, 1/5 मतलब कितना परसेंट, 20%, आंसर ख़त्म। देखो प्रिंसिपल था 10 रुपये, अमाउंट हो गया 12 रुपये, क्यों हो गया, क्योंकि मुझे 2 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, 2 रुपये का ब्याज मिल गया। 2 रुपये का ब्याज कहाँ से, 10 से, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो अभी आसान है, जब मैं धीरे धीरे हार्ड कराऊंगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ इस सवाल देखो रेशियो का। हालांकि जो मैंने रेशियो का टॉपिक डाला उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है हर एक चीज़ कि शॉर्टकट कैसे बनता है रेशियो में, ठीक है। एक ही सवाल है, सवाल देखो, ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का 6:11 है। तो ए बी और सी का हमसे रेशियो पूछा है, ये ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे रेशियो निकालने नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे रेशियो निकालने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझको ये पता है कि
अगर रेशियो एक बार फिक्स हो गया है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीपल करो, मल्टीप्लाई करो, रेशियो वही रहना, रेशियो चेंज नहीं होना है। अब रेशियो 6 बी और सी का 6:11 है, तो मैं सिर्फ इसमें चेक कर लूँगा 6 और 11, देखो मुझे इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ये तो 6:22 है, 6:22 है, ये तो हो नहीं सकता। फिर ए और बी का रेशियो 2:3 किस में है, ये 2:3 देखो इसमें है, 2:2 जा 2:3 जा, यही आंसर है, ये नहीं हो सकता, ये 1:3 का रेशियो है, तो मेरा ऑप्शन यही है, ख़त्म कहानी। चेक करना है, देख लो देख लो, मैंने यहाँ लिखा 2, फिर यहाँ लिखा 3, बी के नीचे लिखा 6, यहाँ लिखा 11। अब चाहे इसको 2 से इनटू कर लो, या इसको आगे बढ़ा लो, इसको पीछे लगा लो, ऑप्शन देख लो कितना आ रहा है, 12, 12, 18 और 33, 3 से काट लो, 3 4 जा 3 6 जा 3 11 जा, 4 6 11, 4 6 11, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ दोस्त, हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन एवरेज का है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर मेरा अप्रोच देखना मैं इसको कैसे करता हूँ। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 140, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर इज 130, द एक्सक्लूडेड नंबर इज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ लिया, 5 लोगों का एवरेज था 140, एक चला गया, एवरेज कितना हो गया 130, इसका मतलब जो बंदा गया उसका वेट ज़्यादा था, या वेट या यूनिट जो कुछ भी कह लो वो ज़्यादा था, ये तो क्लियर क्लियर बात है, क्योंकि तभी वो गया और एवरेज कम हो गया, अगर उसका वेट कम होता तो एवरेज और बढ़ जाता। एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात ध्यान रखना। अगर वो ग्रुप छोड़ के गया इसका मतलब, और एवरेज कम हो गया इसका मतलब कि उसके पास संख्या ज़्यादा थी, उसका वेट या यूनिट कुछ भी कह लो वो ज़्यादा था, ठीक। 5 लोगों का वेट है 140 या कुछ भी जो भी है, और एक कम हो गया 4 से हो गया 130, 10 कम हो गया। अब 10 सबसे कम हो गया, 130 तो अब सबका सबका बच गया, और 130 तो वो भी उसका भी रह गया, अब वो 10 सबसे कम हो गया। अब वो 10 कितने से कम हुआ, 5 लोगों का, एक वो खुद का और एक उस 4 का, 5, तो वो 10 × 5 = 50, और ये 130, 180, यही आंसर है आपका, 180, खत्म। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 5 लोगों का एवरेज बोला कि वो 140 है, 140 है, एक कम हो गया और एवरेज हो गया, सॉरी, और लोग हो गए 4, जिनका एवरेज आ गया 130, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एवरेज कम हो गया -10 से, कम क्यों हो गया, क्योंकि ये बाहर चला गया, ये बाहर आ गया और कम हो गया। अब कम एक तो अपना भी लेके गया, अपना भी लेके गया, और इन 4 लोगों का और लेके गया, क्योंकि इन्होंने तो दिया था, जब ये बंदा ग्रुप में आया तब यही अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बांटा, तब ना जाके एक्स्ट्रा ये हुआ, सिंपल सी बात है। तो ये 10 मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, 10 लोगों का, यहाँ 50 मैंने ऐड किया, तो उसकी ओरिजिनल कितनी आ गई, 180, आंसर कितना आ गया, 180 आंसर। यही 10 10, पहले उसने सबको बांटा, 10 खुद को रखा था पहले, और फिर 40 सब में बांट दिया, तब जाके सबका 140 हो गया। अब जब जा रहा है तो खुद का भी 10 लेके जा रहा है, बाकी भी सबका लेके जा रहा है, तो जितना लेके एक्स्ट्रा बांटा था 50, अब वही अब सबसे लिया, और टोटल वेट सो कितना था, 180, ठीक है। अब लोग इसको करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, माइनस कर लेते हैं, एक ही बात है कर लो, लेकिन ये आसान नंबर था इसलिए कर लोगे, जब मैं मंथ में और ईयर में दे दूंगा तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते, तो अप्रोच चेंज करो ना, अब इसी को मैं अभी ओरली बताया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है,
क्या सवाल है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 और 128 लीविंग अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस? ऐसा कौन सा नंबर है बड़ा से बड़ा जो इन दो नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर दो बचे? सिंपल सी बात है, और ऑप्शन देखो, इसमें मत देखो, ऑप्शन देख लो। ऐसे ये तो साफ साफ देख के लग रहा है 18 6 108, 6 बार जाओ रिमाइंडर बचा 102, सॉरी 108, अरे 108 रिमाइंडर बचा 2, और 7 बार जाएगा ये आ जाएगा 126 रिमाइंडर बचा 2, और कोई नंबर नहीं काटेगा। इसी नंबर से करके देख लीजिए, आज जो 18 टेबल याद होगा या अपने आप पता चल जाएगा कि सिंपल क्या है इसका आंसर। सबसे बड़ा से बड़ा नंबर सिर्फ 18 ही है जो दोनों को आराम से रिमाइंडर देगा, ठीक है? अब देख लो ना इसको, अगर 28 को लो, 28 को कितनी बार लोगे? 28 को 4 बार लेके देखो, 4 बार 80 और 32, 112 तो ज़्यादा ही हो गया है, यही ना होगा? और 3 बार और कम ही हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 और 24 84 नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब 38 भी, जब 28 नहीं हो पाया तो 38 कहाँ से होगा, ये भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 3 बार करके देख लो, 90 तो यही हो गया, ठीक है? और अभी 24 बाकी ही है, ये भी नहीं हो सकता, बचा 18, 18 को ऑप्शन कर लो, ख़त्म कहानी, ठीक है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दोस्त, देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो, लिखा है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 75,000, आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइन विथ हिम इन्वेस्टिंग रुपीज 60,000, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज 3:2 आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स बी ज्वाइन। सबसे सिंपल सवाल है ये, चाहो तो अर्ली कर लो, 75,000 ए ने किया, 75,000 से कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। बी आया 60,000 रुपये लेकर, कितने महीने बाद मुझे पता नहीं, तो मैंने रेशियो ले लिया, तो इधर से 3 जीरो से इधर गया, उधर का 3 जीरो का उधर गया, ठीक। इधर बचा 75 × 12, उधर बचा कितना 60, तो 12 से मैंने 60 काटा, बचा कितना 12 × 5 = 60। अब इधर बचा 75, उधर बचा 5 × 5 = 1 और 15, रेशियो बना 15:1। अब ये 15:1 बराबर किसके, 3:2 के, 3 की वैल्यू कितनी है 15, कितने मल्टीपल पे, 5 के मल्टीपल पे, तो 2 की वैल्यू भी 5 के मल्टीपल पे कितना आ जाएगा 10। वो 12 महीने के लिए आया, वो 12 महीने किया, ये 10 महीने किया, कितने महीने बाद आया, 2 महीने बाद, आंसर 2 महीना, आंसर 2 मंथ हो गया ओवरली। चलो देखो, ए और बी, बी आया 75,000 रुपये लेके कितने महीने के लिए मेरे भाई, 12 महीने के लिए, सॉरी ए आया, और बी आया 60,000 रुपये लेके कितने महीने के लिए मुझे पता नहीं, तो मैं बोल रहा था कि मैं इस 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिया, 12 × 5 = 60 काट दिया, और 5 × 75 काट दिया, तो मान के चुप, मान मैंने ये माना कि ए का 15 आ गया और बी का 1 आ गया, ठीक, ए का 15 आ गया, बी का 1 आ गया। अब बोल रहे हैं कि ये रेशियो बराबर है, तो प्रॉफिट का रेशियो बटा, वो प्रॉफिट का रेशियो बटा किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बटा, 3 की वैल्यू है कितनी 5, अरे 15, कितने मल्टीपल पे, 5 के मल्टीपल पे, ये 1 × ? है, तो 2 की वैल्यू भी 5 के मल्टीपल पर होनी चाहिए, और 2 × 5 करूँगा तो 10 आना चाहिए। अब 1 तो यहाँ है, अब यहाँ 10 कैसे आएगा, 10 तब आएगा जब मैं इसकी वैल्यू में यहाँ 10 रखूँगा, हाँ। अब ये आया 12 महीने के लिए, ये आया 10 महीने के लिए, क्लियर बात है, तो कितने महीने बाद आया, 2 महीने बाद आ गया था, 12 महीना 10 महीना कितना महीना, 2 महीना, क्लियर है कहानी। चलो आज आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, बोर्ड पे से हालांकि लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द रेशियो बिकम्स 3:4 व्हेन 8 इज एडेड टू बोथ नंबर देन फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आसान ये है क्योंकि
पहले रेशियो 2:3 था, 3:4 हो गया, सिर्फ एक ही बढ़ा है, सिर्फ वन ही बढ़ा है। दिक्कत तब होती जब ये एक नहीं होता, तब हम इसको बराबर करना होता, तब हम इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस को बराबर करते, मल्टीप्लाई करते, तो अपने आप ये बराबर होते डिफरेंस। अब उसमें ऑलरेडी एक है, अब मेरे हिसाब से एक ऐड हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से 5 ऐड हुआ है, अरे सॉरी 8 ऐड हुआ है, कितने के मल्टीपल पे, 8 के मल्टीपल पे, और वो टू नंबर्स का सम पूछ रहा है, तो 2+3 का कितना सम होगा, 5, और 5 और 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40, और 40 ही आपका एक खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको आराम से देखने के मिल सकते हैं, आसान आसान, क्योंकि सारे सवाल पेपर में हार्ड नहीं आते, कुछ आसान भी आते हैं, ठीक है। और DRDO एंट्रेंस पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा, बेसिक से ही पूछेगा, इसलिए बहुत हार्ड पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से हल्का सा उठा कर चलो बस, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, अब ये सवाल है, अच्छा सवाल है, निश्चल एलिगेशन का है, और इस पर मेरा अप्रोच देखा करने का कि मैं इसको कैसे करता हूँ, तो कितने खूबसूरत तरीके से करता हूँ। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन देखो, टू अलॉयज कंटेन टिन एंड आयरन इन द रेशियो 1:2 एंड 2:3, इफ़ द टू अलॉयज आर मिक्सड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:4 रिस्पेक्टिवली बाई वेट, द रेशियो ऑफ टिन एंड आयरन इन द न्यूली फॉर्म्ड अलॉय इज, ठीक है। देखो, टिन पहले था 1:2 का, ये था 2:3 का, ये इनका मिक्स्ड था, और मिलाया किस रेशियो में गया था इनको, 3:4 के, 3:4 के। यहाँ तक कहानी क्लियर है, बाकी के सवाल में कोई दिक्कत था, अलॉय टिन और आयरन हो गया, ठीक है। टू अलॉयज आर मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन, इस प्रपोर्शन मिलाया गया, हमसे ये पूछा है जो न्यूली जब मैंने इनको मिलाया तो उसका रेशियो क्या था। अब एक चीज़ मेरे पर ध्यान सुनना हमेशा, जो भी ये नंबर यहाँ पर आए और जो भी यहाँ पे नंबर आए, उसके नीचे जो नंबर होगा वो हमेशा इसके मल्टीपल पर ही होगा। जब मिश्रा लेशन पढ़ाऊंगा उसमें देखना, ये शॉर्टकट है एक तरीके करने का, नहीं तो हर चीज़ से बच जाओगे हमेशा। देखो, ये 3 है, ये 5 है, हाँ। अब ये 3 का 3 तो बैठ जा रहा है, लेकिन ये 5 के 4 में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 30 कर लूँ, इसको 40 कर लूँ, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं, रेशियो भी 3:4 ही है, बिल्कुल है। मैं उसको देखा कि ये मल्टीपल है 10 के, इसको देखा ये मल्टीपल है किसके, 8 के, ठीक है। ये टिन है, ये आयरन है, ये टिन है, ये आयरन है, हमसे इधर टीन आएगा और इधर आयरन आएगा, हमसे यही का पूछा, इसी का पूछा था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि मैं यहाँ क्या करता हूँ। देखो, अब पहले मैं लूँगा टीन का, इसका टीन और इसका टीन, इसके टीन में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो गया 10, और इसके टीन में मैं 2 से 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो गया, 16, ठीक। अब पता है मैं इसी को यहीं से रोक दूंगा, देखूंगा 26 और 26, मेरे 26 आती, पता है मेरी नज़र तुरंत ऑप्शन पे गई थी, मैंने यहाँ 26 देखा, मुझे पता चल गया 26 एक में मुझको दिख रहा है, वो दिख रहा है 13 में और कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि 13 का मल्टीपल 26 ही होता है, तो मैं यही ऑप्शन में मार दिया। लेकिन मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर गया, अब इधर 10 से मल्टीपल 20 आया और इधर 8 से मल्टीपल 24 आया, तो ये पूरा हो गया 26, ये पूरा हो गया 44, मैंने काटा कितना आया 13-22, देख लो कितना आया 13-22। वो बराबर करने वाले मेथड, सब करने वाले मेथड से हट जाओ, मैं जब निश्चल एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो फिर देखना, तो मतलब इतने खूबसूरती से सवाल करेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस ये देख लो कि हमेशा किस मल्टीपल बैठा, और हमेशा इसी पर बैठेगा, चाहे ऐसे जाओ, चाहे इधर से आओ, उधर से आओ। अभी मैं आपको इसमें तो ये चीज़ दिया था, कुछ जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, उसको निकालने का तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, ये भी नहीं रहेगा, बस ये दो रहेगा, तो मैं इसको भी निकालूंगा इसी सब मेथड से, यही ऑप्शन से, इसी ऑप्शन से ही,
सब बताएंगे हम, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। देखो, अ डीलर सोल्ड अ बाईसाइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड ही बॉट अ साइकिल बॉट द बाईसाइकिल एट 10% लेस प्राइस एंड सोल्ड इट एट प्राइस ऑफ 60 रुपीज मोर, ही वुड हैव गेन 25% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। सीधे देखो, 100 रुपये की साइकिल थी, मैंने मान लिया 10 रुपये प्रॉफिट कमाता था, मतलब कितने में, 110 रुपये में, एक सवाल में था। हाँ, अगर वो साइकिल को 10% कम में ख़रीदता, मतलब अगर 100 रुपये दाम था वो कम में ख़रीदता और उस पर 60 रुपये ज़्यादा में बेचता, उसको प्रॉफिट कितने का होता, 25% का। तो 90 का 25% मतलब कितना, 25% मतलब वो कितना, 1/4। तो इसका 1/4 कैसे होगा, 1/2 करो 45 और 1/2 करो 22.5, तो इसमें से 22.5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 112.5। इसका 1/4 निकाल लो ना, 90 का 1/4 कितना आएगा, 22.5 ही आएगा, ठीक। मेरे हिसाब से कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, 2.5 रुपये। क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है, 60 रुपये। कितने के मल्टीपल पर है, 24 के मल्टीपल पर है, 24 के ही मल्टीपल पर है। तो आपका कॉस्ट प्राइस भी 24 के मल्टीपल हो जाएगा और आपका आंसर आया कितना, 2400। अब इस सवाल में हमसे कुछ भी पूछता, चाहे ये वाला दाम पूछता, चाहे ये वाला दाम पूछता, चाहे ये वाला पूछता, कुछ भी पूछता, तो सारी वैल्यू 24 के मल्टीपल हो जाती। लेकिन हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो हमने कॉस्ट प्राइस को 24 के मल्टीपल किया और हमारा आंसर कितना आ गया, 2400, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त अगला एक सवाल और प्रॉफिट एंड लॉस का, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, उसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, इफ़ द डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ रेडियो, द गेन इज 20%। इफ़ द डिस्काउंट इज इंक्रीज बाय 20% द गेन परसेंटेज। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के कहा था कि जब भी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात हो जाए तो हमेशा CP SP और MP का रेशियो लो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो लो, अनुपात लो तुरंत के तुरंत, ठीक है। हम अनुपात लेते हैं CP SP MP। पहले क्या बोल रहा है सवाल में, पहले बोल रहा है इफ़ द डिस्काउंट इज गिवन 10%, 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 1/10 और 1/10 मतलब 10 का सामान 9 में बेचा और उसको प्रॉफिट कितने को रहा था, 20%। 20% मतलब 1/5 मतलब 5 का सामान 1 का प्रॉफिट लिया, कितने बेचा, 6 में। मैं रेशियो बराबर करूँगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 18, उधर 2 से मल्टीप्लाई 20। अब देखो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस था 15, मान क्या लेते हैं यही रेशियो था, लेकिन मैं दाम ही मांग ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ कि भाई मेरा क्रय मूल्य आया था 15 से, विक्रय मूल्य आया था 18 और अंकित मूल्य आया मेरा 20, CP 15 SP 18 और MP 20। अब बोल रहा है कि मैं अब डिस्काउंट अगर 20% का देता हूँ, 20% का दे रहा है, कितने का दे रहा है, हाँ 20%, अगर मैं डिस्काउंट को 20% से बढ़ा देता हूँ, अब अंकित मूल्य तो मेरा यही है, अब मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ मतलब 1/5 और अंकित का वन, अंकित मूल्य का 1/5 इसका करूँगा, तो 4 रुपये मैं और डिस्काउंट दे रहा हूँ, 4 रुपये और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैंने 4 रुपये इसका और डिस्काउंट दिया तो मेरा ये हो गया कितने का, 16 रुपये का सामान। वो बोला कि मैं डिस्काउंट और बढ़ा रहा हूँ, मेरा ये होगा सामान 16 रुपये का, सेलिंग प्राइस अब होगा 16 और कॉस्ट प्राइस कितने की थी, 15। अब डिफरेंस कितना, 1/15 का, हम सही पूछा लास्ट में से क्या पूछा था, द गेन परसेंट, तो 1 का प्रॉफिट
कहाँ से, 15 से, और 1/15 की वैल्यू कितनी होती है, 62/3%। 1/16 की वैल्यू, 1/15 की वैल्यू कितनी होती है, 62/3%। ठीक है, ये सब वैल्यू आराम से याद कर लो, बहुत आसानी होगा निकालने में, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला सवाल है, टाइम एंड वर्क का, इसको ध्यान से करना। सवाल है, इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी, देन द नंबर ऑफ वर्क ऑफ सॉरी देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ए बी और सी क्या सवाल में दिया हुआ था, ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी, ट्वाइस फास्टर देन बी, ट्वाइस ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी। देखो ये रेशियो मेरा बन गया भाई, ट्वाइस फास्टर देन बी और थ्राइस फास्टर देन सी। आपको इसे डायरेक्ट कैसे बना लिए, सोच लिया आराम से, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कुछ नहीं लो। उसने बोला ट्वाइस फास्टर देन सी, ट्वाइस फास्टर देन बी, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बोला कि थ्राइस फास्टर देन सी, थ्राइस फास्टर, ये 3 हो जाएगा। इसको बराबर कर ले, बराबर कैसे होगा देखो, इधर 3 से इंटू कर लो, इधर भी 3, और इधर 2 से इंटू कर लो, इधर भी 2। रेशियो कितना आ गया, 6:3:2। देखो ये रेशियो आ गया 6:3:2, 6:3:2। अब हमसे क्या बोला सवाल में, इफ ए एंड बी सी कंप्लीट एंड 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। अब देखो 6 प्लस इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, क्षमता का रेशियो हो गया, 6 3 9 दिन 11, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं और 11 काम और 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना था, 66। बोल रहा है बताइए सी कितने दिन में काम खत्म करेगा, अगर टोटल काम 66 है और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 2, तो कितने दिन में काम खत्म करेगा, 33 डेज में काम खत्म करेगा। 33 डेज इसका आंसर जाएगा, 33 डेज, 33 दिन। क्लियर है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। चलो देखो टाइम एंड वर्क का सवाल है, आसान सवाल है, सवाल पढ़ते हैं। ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 डेज, विच बी कैन बिल्ड इन 40 डेज, इफ दे बिल्ड इट टूगेदर एंड गेट अ पेमेंट ऑफ 700, वॉट इज बीज शेयर, वॉट इज बीज शेयर, 700। ओके देखो, हालांकि मुझको ऑप्शन ही देख देख के कुछ समझ में आ रहा है। ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा भाई, 30 दिन में, और बी 40 दिन में, 30 40 40, टोटल काम कितना, 120। ये कितना टाइम लगाएगा, इसका एक दिन का एफिशिएंसी है 4, इसका एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 3। बहुत अच्छी बात, कितना रुपए मिल रहा है, 700 रुपये मिल रहा है दोनों को मिला के, दोनों के एक दिन की क्षमता 7 मिल रहा है, कितना, 700, कितने मल्टीपल पर, 100 के मल्टीपल पर। हमसे किसका पूछा था, बी का, वॉट इज़ बी शेयर, बी की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो उसी के उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा उसको पैसा, कितना मिलेगा उसको, 300 रुपये। यही रहा आपका खूबसूरत सा आंसर, 300 रुपीस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, इसको ध्यान से लगाओ, जो भी चीज़ है, जो भी DRDO में क्लास ले रहा हूँ उसको पढ़ो, DRDO वाले को बोल रहा हूँ कि इसका लगाओ, दोनों को बोल रहा हूँ कि NBA और BIS को पढ़ो, मतलब सब मिला जुला के पढ़ो, मेरे जितने भी क्लास आ रही मैथ्स के सारे क्लास करो, उसमें जो डाउट आ रहा है हमसे पूछो तो हम तुमको बताएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कैसी भी परेशानी हो मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, चलते हैं, ध्यान पे रहो, घर पे रहो, मस्त रहो, सभी को राधे राधे, जय हिंद।